guys, welcome back to my channel. My name is Anjali. I hope you all are doing well. So Holi is round the corner and we all love to play Holi, and Holi is one of my favorite festival. We should know how to take care of our skin during this festival because it might cause a lot of skin irritation, a lot of problems. So here I am to giving you few tips that how can we take care of our skin during this festival. So let's get started. जब भी आप होली खेलने के लिए जाएं, प्लीज अपने हेयर्स में ऑयल लगाना बिल्कुल ना भूलें. स्पेशली अगर आपके कलर हेयर्स हैं, लाइक मी, मेरे भी कलर हेयर्स हैं. एंड इफ यू डोंट वांट टू डैमेज योर हेयर, देन प्लीज डोंट फॉरगेट दिस स्टेप. एंड एक बहुत ही अच्छा अमाउंट आप अपने बालों में, अपने हेयर्स में ऑयल का लगाएं. इससे क्या होगा कि कोई भी कलर जो है वो आपके बालों में नहीं लगेगा और ईजिली निकल भी जाएगा. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टेप. Amount of sunscreen all over your body and face because I know you don't want to tan. जब भी हम होली खेलने के लिए जाते हैं तो most of the time काफी ज़्यादा धूप होती है और जिसकी वजह से हमें tanning हो जाती है. So don't forget this step because this is really important. आप बहुत अच्छा sunscreen like minimum 30 SPF आप ज़रूर अपने body और face पर लगाएं and ये आपको बहुत help करेगा आपकी skin को damage ना होने के लिए. So the third important tip is to paint your nail. जब भी आप होली खेलने के लिए जाएं, then please don't forget to paint your nails. इससे क्या होगा कि कोई भी अगर कलर होगा तो वो आपके नेल्स के अंदर नहीं जाएगा. बिकॉज जब नेल्स के अंदर की साइड पर कलर लग जाता है तो उसको निकलने में बहुत टाइम लगता है, आपको इतना वियर्ड लगता है कि बस पूछो मत. सो डोंट फॉरगेट दिस स्टेप ऑल्सो. Avoid lenses and spectacles because जब भी आप होली खेलने के लिए जाते हैं और आपने अगर लेंस पहना हुआ है या फिर स्पेक्टिकल्स पहने और पीछे से आपके दोस्त या फिर आपका कोई बहुत ही अच्छा रिलेटिव आके आपको कलर लगा देता है तो वो जो कलर होता है वो लेंस पे जाने का डर होता है और आपके स्पेक्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा वो कलर चला जाता है और वो बहुत ही वियर्ड लगता है. सो अवॉइड दिस. So the next tip is water. Yes guys, water is really important because आपको अपनी जो body है वो hydrate रखनी होती है during Holi और before Holi and after Holi also. So drink a lot of water during Holi and during जब आप खेल रहे हो, Holi खेल रहे हैं, then specially उस time पर आपको बीच बीच में अच्छे amount में पानी पीते रहना चाहिए. इससे आपकी जो body है वो hydrate रहती है और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती. So the next important tip is to apply Vaseline on your lips because it will protect your lips during Holi. और लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि ये सारे टिप्स अप्लाई करने के बाद भी अगर आपके फेस पर या आपकी बॉडी पे कहीं भी कलर लग जाता है, देन आप प्लीज़ कोई भी डिटर्जेंट सोप यूज़ ना करें बिकॉज इट विल डैमेज योर स्किन. ऑलवेज यूज़ एलोवेरा जेल बेस्ड सोप या फिर आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं. यूज़ कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कलर को निकालने के लिए. और एक टाइम में आप उसको कलर को रगड़े नहीं बिल्कुल भी, जस्ट आप एक बार ही अपने फेस को वॉश करें या फिर एक बार ही सिर्फ आप नहाने के लिए जाएं. बार बार अगर आप उसको रगड़ रगड़ के कलर को निकालने की कोशिश करेंगे तो उससे आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी और आपको शायद पिंपल्स आने की भी डर हो सकते हैं. आपकी स्किन पे काफ़ी सारे पिगमेंटेशन के भी डर होते हैं.
सो प्लीज गाइज अवॉइड दिस एंड आई होप कि आप लोगों को मेरे जो टिप्स है ये आपको काम आएंगे और आपकी जो होली है वो बहुत ही सेफ होली होगी. एंड अब मैं यही बोलना चाहूँगी कि हैप्पी होली गाइज टू यू एंड योर फैमिली एंड प्लीज प्ले सेफ होली एंड यूज ऑर्गेनिक कलर ऑलवेज. कोई भी केमिकल बेस्ड कलर यूज मत करें एंड ये जो मेरा मैसेज है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं. एंड आई होप यू एंजॉय माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो गाइज एंड प्लीज गिव अ थम्स अप एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन कॉमेंट बिलो ऑन माई कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. नाउ अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.